गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का टाइम है और अभी मेरी बेटी स्कूल जा रही है, तो हम लोग नीचे आ गए थे उसको छोड़ने के लिए। तो देखिए कितना शरारत कर रही है जब तक बस नहीं आती है, और ये भी सोकर उठ गया है, नहा लिए भी। जब ये स्कूल जाती है ना तब बहुत अच्छा रहता है, हम लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं 5 o'clock कि उठ कर वो चली गई स्कूल, और हम लोग भी थोड़ा ड्राइव के लिए जा रहे हैं। हेलो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज से बच्चों का स्कूल शुरू हो गया है और मेरी बेटी भी स्कूल चली गई है। अभी हम लोग बैठकर चाय पीने की तैयारी में हैं। हम दोनों का ब्रेकफास्ट हो गया है। आज मैंने उत्तपम बनाया था जो हम दोनों ने कर लिया है, मैं वीडियो ऑन करना भूल गई थी। और ये देखिए पीछे मेरा मेडिसिन से, और ये देखिए बेटे, और आज मेरा कुकिंग भी हो गया है, मैंने राइस बना दिया है और प्रॉन करी बना रही हूँ, उसके बाद बनाऊंगी पॉम्फ्लेट और ज़्यादा कुछ कुक नहीं करूँगी। ओ ये जल गया, सी एक्चुअली गुड्डू को छोड़ने के बाद हम दोनों थोड़ा बाहर चले गए थे बाइक में, क्योंकि हम लोग ज़्यादा जा नहीं पाते हैं क्योंकि इवनिंग टाइम में बहुत ट्रैफिक रहता है, मॉर्निंग को तो ये ऑफिस चले जाते हैं, इसीलिए बाहर जा नहीं पा रहे। तो आज से उसका शुरू हो गया, तो हम लोग नीचे गए थे उसको बस पे बिठाने के लिए। फिर इन्होंने बोला कि चलो थोड़ा एक राउंड मार कर आते हैं। जब घूमने गए थे तो फिर सब ओपन हो गया था, तो हम दोनों ने सोचा कि तो चलो आज थोड़ा प्रॉन वगैरह ले आते हैं, क्योंकि फिश लाएंगे तो ख़त्म नहीं होगा। वैसे भी हम दोनों में से इतना कोई फिश लवर नहीं है, मतलब पहले थोड़ा बहुत खा लेते थे पर अब इतना अच्छा नहीं लगता है नॉनवेज, ज़्यादातर सी फूड वगैरह लाइक फिश और प्रॉन कुछ भी। तो थोड़ा सा ही प्रॉन लेकर आए थे ताकि मॉर्निंग पे ही लंच पे ख़त्म हो जाएगा, डिनर तक नहीं रहेगा। और ये देखिए मेरा प्रॉन करी हो गया है, इसको ज़्यादा अभी वाटरी है ना तो थोड़ा वाटर कम कर दूँगी, ज़्यादा नहीं रखूँगी, थोड़ा सूखा सूखा ही बनाऊँगी। और पॉम्फ्रेट भी हम लोग एक ही लेकर आए हैं, ज़्यादा नहीं लाए हैं, हाफ अप हो जाएगा। बहुत मतलब ये तो आई थिंक फर्स्ट टाइम लाए हैं, और प्रॉन भी बहुत दिनों के बाद लाए हैं, और राइस भी हो गया है। हाँ पहले लाते थे हम लोग, मतलब वो सी फूड ज़्यादा खाते थे, मना नहीं है, पर कुछ टाइम बाद अच्छा नहीं लगा तो हमने छोड़ दिया खाना, अब बहुत दिनों के बाद लेकर आए हैं। तो चलिए थोड़ा चाय पीते हैं उसके बाद, और मेरा पूजा भी हो गया है, मैंने पूजा भी कर लिया है, सारा काम हो गया है, तो चाय पीने के बाद बात करते हैं। हमारा चाय हो गया है और हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, और ये देखिए मैंने पॉम्फ्लेट फ्राई भी बना, मैंने बोला था ना हस्बैंड लेकर जाएंगे पर उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया कि उनको नहीं लेना है। मैंने पटाटो बॉईल कर लिया है क्योंकि हम लोग तो नॉनवेज खा लेते हैं, गुड्डू नॉनवेज नहीं खाती है, मेरी बेटी नॉनवेज नहीं खाती, उसको नॉनवेज और नॉनवेज का स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो कभी भी नहीं खाती है, इसलिए मैंने उसके लिए आलू बॉईल कर लिया है, और अभी उसको लाने का टाइम भी हो गया है, चलिए उसको लेकर आते हैं। और मैंने घर भी क्लीन कर लिया है, चलिए लेकर आते हैं उसको। तो मैं पीहू को लेकर आ गई हूँ, अभी मैं उसके लिए आलू चटनी बना रही हूँ जिसको बिहार में आलू चोखा बोलते हैं, उसको ये बहुत पसंद है, उस ज़्यादा कुछ नहीं, बस पटाटो और चॉप ऑनियन कॉर्ड सॉल्ट इतना ही डालती हूँ, चिली वो तो नहीं खाएगी, छोटी बच्ची है तो उसको बहुत ही पसंद है, मैं उसके लिए यही बना देती हूँ, तो वो कॉर्ड राइस के साथ ये बहुत खुशी से खा लेगी। आज का लंच है राइस, मैंगो प्रॉन करी, पॉम्फ्रेट फ्राई एंड ऑनियन फॉर मी, उसके लिए कॉर्ड राइस, आलू चटनी एंड मैंगो। हम दोनों का खाना हो गया है, और मैंने सारी विसल्स वगैरह भी क्लीन कर दिया है, और बेटी बैठ कर टीवी देख रही है,
और मैं भी अभी थोड़ी देर बैठ कर गाना सुनूंगी क्योंकि अभी और कोई काम नहीं है। लंच करने के बाद थोड़ा काम धाम कर लेती हूँ घर का और डिनर स्किप कर देती हूँ क्योंकि डिनर करने का भी मन नहीं होता है। इवनिंग को बस चाय के साथ कुछ ले लेते हैं, मतलब 6:37 o'clock को ही कुछ ले लेते हैं और वही हमारा स्नैक्स और वही मेरा डिनर बन जाता है। और रात को डिनर नहीं करती हूँ क्योंकि रात को मुझे रोटी पसंद नहीं है तो राइस खाना ठीक नहीं रहता, इसीलिए रात को डिनर स्किप कर देते हैं। हाँ, कभी अगर कोई पराठा वगैरह बनाती हूँ कुछ स्पेशल, बहुत रेयर बनता है अभी, पर कभी बनता है तो आधा खा लेती हूँ बस। अभी थोड़ा ऐसा ही चल रहा है। She's not listening anymore. Six o'clock हो गया है। तो अभी हम बनाते हैं चाय। मैं आ रही थी चाय बनाने के लिए पर आ गया फालूदा, तो गरम के साथ ठंडा थोड़ी पी खाते हैं इसीलिए चाय थोड़ी देर बाद पीते हैं, पहले खा लेते हैं फालूदा। मैं ओपन करती हूँ। मम्मा का फेवरेट फालूदा। ये है टेंडर कोकोनट का फालूदा और टेंडर कोकोनट का फालूदा हर किसी को पसंद नहीं होता है पर मुझे बहुत पसंद है टेंडर कोकोनट का फालूदा। और तो चलिए हम लोग अभी फालूदा एंजॉय करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी तो रात में सब सोच रही हूँ पालक पराठा बना दूंगी, कुछ और नहीं बनाऊंगी। और ये सब देखिए मैंने घर साफ किया ना, सब उठाकर ऐसे ही रख दिया है, इसको भी उठाकर रखना है, थोड़ा साफ करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।